going to start with angels. Angels को ज्यादातर ये माना गया है कि वो divine के messengers हैं, जो बात ईश्वर आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाने का जरिया angels बनते हैं। Angel Greek word angelos से derive किया गया है, जिसका मतलब है कि heaven और earth के बीच में connection establish करने वाले beings। एंजल्स अगर आप देखें तो हर रिलीजन में होते हैं, जैसे देवदूत बोलते हैं हम लोग या फरिश्ता बोलते हैं, तो हर माइथोलॉजी में एंजल्स का जिक्र रहा है। एंजल्स टाइम और स्पेस रिस्ट्रिक्शन के तहत नहीं रहते, उनको अगर आप ये मान के चलिए पूरी दुनिया के लोग भी एक साथ इन्वोक करेंगे तो भी वो वहां उन्हें हेल्प करने के लिए, उन्हें हील करने के लिए, उन्हें एनलाइटन करने के लिए मौजूद होते हैं। एंजल्स का सोल पर्पस क्या है कि वो डिवाइन की मर्जी उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से आपसे कार्य करवाते हैं। और एंजल्स से हेल्प लेना या एंजल्स को इन्वोक करने का मतलब ये नहीं होता कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन को इग्नोर कर रहे हो या उनसे ऊपर आप एंजल्स को रख रहे हो, ऐसा नहीं है। एंजल्स आपका कनेक्शन बनाते हैं डिवाइन एनर्जीज के बाद। एंजल्स हेल्प करते हैं कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ और अच्छा हो पाए, और वो तभी आपकी लाइफ में आएंगे जब आप उन्हें इन्वोक करेंगे। बिना आपकी मर्जी के वो कभी भी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जनरली ऐसा माना गया है और ऐसी पिक्चर्स भी हमने देखी हैं कि एंजल्स जो हैं वो उनके पंख होते हैं, वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र से फ्री होते हैं वो। फिर कुछ ऐसी असिस्टेंस जो एंजेलिक असिस्टेंस रही हो वो क्या करती है, जैसे आपके कुछ उलझने हैं, उन उलझनों को सुलझाने में आप एंजल्स को जब बुलाते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। या तो अचानक से आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा या फिर आप उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। एंजल्स जनरली उन लोगों से अट्रैक्ट होते हैं जिनकी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है और जो अपने आसपास की जगह डीक्लटर्ड रखते हैं। जैसे आपके जहां पे भी आप बैठ के इन्वोक कर रहे हैं एंजल्स को या जहां पे भी आप काम करते हैं वहां सामान कम से कम हो। फिर जितने पॉजिटिव साउंड्स हैं, जैसे विंड चाइम का साउंड हो गया और जो घंटी वगैरह होती है मंदिरों में उनके साउंड्स हो गए या तिब्बतन बाउल का साउंड हो गया, तो ये सारे साउंड्स उनको अट्रैक्ट करते हैं। उसके अलावा आप अगर उस जगह पे अरोमा यूज करते हैं, चाहे आप अगरबत्ती जलाएं, चाहे आप धूप जलाएं, चाहे आप कपूर जलाएं, चाहे आप किसी भी तरीके के डिफ्यूजर्स या एसेंशियल ऑयल्स का यूज करें, तो अरोमा एंजल्स को अपनी ओर आकर्षित करने में बहुत प्रभाव डालती है। एंजल्स हो सकता है कि आपको पूरी लाइफ टाइम में ना दिखे, या ये हो सकता है कि आप उन्हें नोटिस ना कर पाए। जरूरी नहीं है कि आपको ह्यूमन फिगर के फॉर्म में एंजल्स दिखेंगे। एंजल्स दिखते कैसे हैं, हम अपनी इंद्रियों से उन्हें कैसे महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मेडिटेटिव स्टेट में हो तभी आप एंजल्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कैसे साइंस मिलते हैं, जैसे अचानक से कोई खुशबू आ जाएगी और वहां पे उस खुशबू से रिलेटेड कुछ नहीं है। जैसे कई बारी मैं भी अपना काम कर रही होती हूँ और अचानक से बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती है और जब मैं अपने आसपास लोगों से पूछती हूँ तो उन्हें कोई खुशबू नहीं आ रही होती, सिर्फ मुझे आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि एंजल्स अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, आप तो जानते भी नहीं कौन से एंजल हैं,
तो हम उन्हें ग्रैटिट्यूड देते हैं कि थैंक यू एंजल्स, आप हमारे आसपास हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करें या आप हमारी सहायता करें उस कार्य में जिस कार्य में आपको लगता है कि उनकी सहायता की जरूरत है। ऐसे ही कई बारी बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे आपके साथ ये पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ। अब इसमें देखिएगा तो बादलों में एक विंग्ड क्रीचर का इमेज आ रहा है। बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बादल पे ऐसा लग रहा है एक एंजल अपने पंख फैला के बादलों में है, वो मौजूद है। तो हमें कैसे पता चलता है, हर कोई ये चीजें नोटिस नहीं करता। अचानक से आपका ध्यान अगर ऐसे शेप्स पर जाने लगे जहां पे इस तरीके के फिगर्स बन रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से ये जो फूल है, ये फूल भी कहीं ना कहीं एंजेलिक फिगरीन्स से रेजोनेट करते हैं। और इस तरीके के आपको इमेजेस दिखे तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके करीब हैं। अरोमा का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अचानक से कोई खुशबू आना जो ये नहीं पता कहाँ से आ रही है इज अ साइन। क्लाउड्स पे अभी आपने देखा कैसे एक इमेज बन जाती है। अगर आपका एंजेलिक कनेक्शन बन रहा है या एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक से आपको फूलों की तरफ अट्रैक्शन होने लगेगा। आप आकर्षित होंगे अलग अलग कलर के फूल की तरफ जो आपने कभी खरीदे भी ना हो, और आप बेवजह उन्हें खरीदने लग जाएंगे बिना किसी रीजन के आप खरीदेंगे, या आपको गिफ्ट में मिल जाएंगे, आपके पास वो फूल किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएंगे। जैसे अभी कुछ टाइम पहले की बात है, हम लोग ऐसे ही मार्केट वी वर जस्ट गोइंग अराउंड, और मेरा जो छोटा बेटा है उसने पता नहीं कभी तो फूल वगैरह उसने लिया नहीं, लेकिन उस दिन वो जिद करने लगा कि उससे फूल चाहिए, और उसने पॉइंट आउट किया रोज स्टिक की तरफ कि मुझे ये वाला फूल चाहिए। तो आई वॉज लाइक कि चलो एक स्टिक है, बच्चे का मन कर रहा है इतना दिला देते हैं। एंड उस स्टिक का उसने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, डेली पानी चेंज करता रहा, उसने एक ग्लास में उसे डाल दिया, पानी चेंज करता रहा, और वो किसी ना किसी तरह से एक हफ्ते तक वो फूल एकदम फ्रेश रहा, सर्वाइव कर गया। वरना इस मौसम में एक हफ्ते तक गुलाब सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर दैट इज एन एग्जाम्पल के एंजेलिक कनेक्शंस आपके लिए कैसे बनेंगे। आपको कोई ना कोई जरिया ऐसा दिखेगा, कोई ना कोई हिंट यूनिवर्स हमेशा देता है कि आपके कनेक्शंस बन रहे हैं। आपको फेदर्स मिलने लगेंगे, पंख मिलने लगेंगे, और ऐसी जगह पे मिलेंगे जो बिल्कुल साफ सुथरी है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बंद कमरे में अचानक से एक सुंदर सा पंख आ गया, आप खुद सोचोगे कि ये कहां से हुआ ये। तो ये क्या होता है कि वो आपको इशारा दे रहे हैं कि हम आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब इस तरीके के इशारे मिलते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो एक और बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आपको अपने एंड से रिसेप्टिव होना होता है। देखिए, आपको एंजल्स बार बार इशारा देते हैं कि कभी पंख मिल गया, कभी आपको सिक्के मिल गए, कभी कोई पर्टिकुलर गाना या कोई वर्ड बार बार ध्यान आने लगा, क्रिस्टल्स, आप अचानक से क्रिस्टल्स की ओर अट्रैक्ट होने लगे, फिर फेदर्स मिल रहे हैं, खुशबू आ रही है। तो इसका मतलब एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब आप उनसे कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे या आप कैसे रिसेप्टिव मोड में होंगे, एक तो जिस जगह पे भी आप मेडिटेट करते हैं या जहां पे भी आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उस जगह को साफ रखिए। अगर आप अपने मोबाइल पे म्यूजिक सुनकर भी मेडिटेट कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल को भी डीक्लटर कीजिए। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और इमेजेस होते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है,
तो उन्हें करना है। तो हमें क्या करना है, अपनी जगह साफ करनी है, अपनी फिजिकल बॉडी को, अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को साफ करना है। स्पिरिचुअल बॉडी को कैसे साफ करेंगे, हम अपने अंदर से सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज कर रहे हैं ऐसा विजुअलाइज करेंगे मेडिटेट करते हुए। तो वो आपका गाइडेड मेडिटेशन रहेगा जो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी। फिर बहुत सारा पानी पीजिए, आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करेगी। तो ये आपके ओर से तैयारी होगी कि अब आपने एंजेलिक कनेक्शंस बैठाने हैं, राइट। फिर कई बारी क्या होता है कि आपको अचानक से वर्ड सुनाई देंगे या अचानक से कोई ऐसा जैसे एंजल या फरिश्ता वर्ड बार बार रिपीट होता हुआ किसी ना किसी फॉर्म में आपको या तो सुनाई देगा या दिखाई देगा। कई बारी हमारी नजर ऐसे बिलबोर्ड्स पे पड़ती है जहां ये मैसेज लिखा रहता है, तो वो देखना है। फिर क्रिस्टल्स बहुत अच्छा जरिया है, क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छा जरिया है कनेक्ट करने का एंजल्स से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिसको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली रोज क्वार्ट्ज पे हाथ रख देगा। या जिसको हायर लर्निंग या स्पिरिचुअल लर्निंग की जरूरत है वो ऑटोमेटिकली एमेथिस्ट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्रिस्टल्स हमेशा कहा जाता है कि आप क्रिस्टल्स को नहीं चुनते, क्रिस्टल्स आपको चुनते हैं। तो उसी तरह से आप अट्रैक्ट होंगे उस पर्टिकुलर क्रिस्टल की ओर, तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ का वो स्फीयर हील होने के लिए तैयार है। फिर ह्यूमन फॉर्म में एंजल्स कई बारी आ जाते हैं या एनिमल फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में। जैसे क्या होगा कि जब आप एकदम उदास होंगे, मानिए आपके पास कोई छोटा बच्चा आ गया और उसकी मुस्कुराहट देख के आप अपनी उदासी भूल गए, तो वो छोटा बच्चा एंजेलिक फॉर्म में आया था आपको चीयर करने के लिए। या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उलझे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहे और अचानक से होता क्या है कि कभी कोई बच्चा या आपके आसपास का कोई इस तरीके के वर्ड्स बोल देता है जिसमें आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो वो भी एक तरीके के एंजल है जो आपकी मदद के लिए आपके पास आए हैं। सो दिस इज हाउ दे रीच अस इन ह्यूमन फॉर्म। देखिए इस तरीके के फेदर्स, ये कुछ कलरफुल फेदर्स की पिक्चर मैंने निकाली थी।